there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Hi guys, welcome back my YouTube channel Gary's Gallery. आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है. ये है ग्रे आई शेडो मेकअप लुक. बेसिकली ये ग्रे आउटफिट के लिए सोच के मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है गाइज, क्योंकि ग्रे आउटफिट में आपका कोई भी साड़ी हो या सूट हो, एवरीथिंग मतलब कुछ भी आ सकता है ग्रे कलर में. बेसिकली कोई भी आउटफिट हो आप उस पर ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो वेडिंग के लिए हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए हो, बर्थडे पार्टी के लिए हो, गेट टुगेदर हो या कोई भी फंक्शन हो. बेसिकली ये सोच के मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है. किसी भी चीज़ के लिए हो गाइज, ये मेकअप लुक आप बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं. एंड बहुत ही सिंपल और ईजी मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है और ये बहुत सिंपल और ईजी मेकअप लुक है गाइज. सो ये मैंने कैसे किया है ये वीडियो में आपको एंड तक देखना पड़ेगा. एंड अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मेरे चैनल का नाम है गैरीज गैलरी एंड बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, सबसे पहले मैंने नीविया की सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र क्रीम फेस पे अप्लाई की है और ये बहुत अच्छे से डीप नरिश कर देती है स्किन को. उसके बाद मैंने अप्लाई किया है इनसाइड का प्राइमर और इसको अपने नोज़ एरिया पे मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि ओपन पोर्स ज़्यादातर हमारे नोज़ एरिया में होते हैं और बहुत अच्छे से ये फिल कर देता है और ये सिलिकॉन बेस में है. उसके बाद मैंने अप्लाई किया है मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर और गाइज कंसीलर ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से फाइन लाइंस को हाइड कर देता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. उसके बाद मैंने अप्लाई किया है लॉरियल का आईब्रो किट में से ब्राउन कलर, अपने आईब्रोज़ को फिल किया है. उसके बाद मैंने आई शेडो पैलेट में से पीची ब्राउन शेड को अपने आउटर कॉर्नर पे, मतलब आई के आउटर कॉर्नर पे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है ब्रश की हेल्प से. उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन ब्लैकिश टोन में था ये शेड और इसको आउटर आई के आउटर कॉर्नर एरिया पे फिर से अप्लाई किया है, आउटर वी कॉर्नर एरिया पे अच्छे से अप्लाई किया है. उसके बाद मैंने दूसरे आई शेडो पैलेट में से स्टील ग्रे कलर अपने आई के हाफ लिट एरिया पे अच्छी तरीके से लगाया है. उसके बाद मैंने बनाना मिस कैलरी का बनाना लग्जीरियस पाउडर था, लूज पाउडर गाइस, और इसको अपने अंडर आई एरिया पे अच्छी तरीके से सेट कर लिया है. उसके बाद मैंने अप्लाई किया है मेबलिन का लेस सेशनल मस्कारा गाइस, ये बहुत अच्छे से आई लैशेस को वॉल्यूम दे देता है. उसके बाद मैंने अप्लाई किया है ब्लू हेवन का ब्लैक काजल और इसको अपने आई के वाटर लाइन एरिया में अप्लाई करूँगी. बाद मैंने अप्लाई किया है लैक्मे की सीसी क्रीम और मैंने अपनी स्किन टोन के हिसाब से ये शेड अप्लाई किया है और इसको ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. सो गाइज, ये स्विस ब्यूटी का ब्लशर पैलेट है और इसको इसमें से ब्राउन शेड से अपने फेस पर कॉन्टोर करूँगी. एक कॉन्टोर करने से हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है. उसके बाद तो इनसाइड के कॉम्पैक्ट फेस पर अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी. उसके बाद मैं अपने नोज़ एरिया को भी एक अच्छी तरीके से शेप दूंगी कॉन्टोरिंग करके. फिर उसी पैलेट में से मैंने पिंक पीची पिंक शेड था गाइस, उसको अपने एज अ ब्लश मैंने अप्लाई किया है. उसके बाद लिप कलर है गाइस ब्लू हेवन का मैट में है ये, और लिप पर इसको अप्लाई कर लूँगी. लाइनर अप्लाई करने के बाद इनका लिप कलर है एज अ डार्क मरून शेड है गाइस, और ये बहुत ही प्यारा शेड है. इसको मैं अपने लिप्स एरिया पे अप्लाई कर लूँगी और ये मैट में है तो आप देख सकते हो ये बहुत ही सुंदर मरून शेड है.
तो मेरा ये फाइनल लुक है गाइस अभी है। उसके बाद सेटिंग स्प्रे यानी ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर है जो मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद ज्वेलरी मैं पहन लूँगी और फिर गाइस कुछ मुझे कमी लग रहा था तो एज अ आई मेकअप मेरा ग्लॉसी लुक है, थोड़ा सा थोड़ा शिमर लुक है, तो मैंने सोचा कि लिप्स को भी थोड़ा शिमर थोड़ा सा क्रिएट करती हूँ, इसलिए मैंने हाईलाइट को अपने लिप्स पर थोड़ा सा अप्लाई किया है एज अ ग्लॉसी लुक देने के लिए। ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। सो गाइस ये था मेरा फाइनल मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है। आई होप आप लोग को ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइस आप लोग भी मुझे कोई भी मेकअप लुक सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं वो मेकअप लुक कैसे क्रिएट करूँ कि मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं मेकअप लुक क्रिएट जरूर करूँगी। सो अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और ये मेकअप लुक कैसा लगा आप लोग को, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।